हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांग मोघा उर्दा एजुकेशन एकेडमी आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जेक्वेरी को सीखने की सीरीज में आज लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें आज हम बात करने वाले क्लोन मेथड की। तो चलिए चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में और देखते हैं कि हमने कोड में लिखा क्या है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक डिव क्रिएट की हुई है, जिसको मैंने आईडी दी है लोगो, और इसे मैंने पैराग्राफ टैग को यूज करके इंडिया लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने एक और डिव क्रिएट की है, जिसको मैंने आईडी दी है क्लोन। उसके बाद एक बटन बनाया है, जिसको मैंने इनपुट टाइप सबमिट बटन बनाया है, जिसमें मैंने वैल्यू दी है कॉपी और आईडी दी है कॉपी। और मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज करके जेक्वेरी को लिंक किया है और स्क्रिप्ट टैग को ओपन क्लोज किया है। और मैंने यहाँ पर लोगो में विड्थ हाइट फ्लोट लेफ्ट और बैकग्राउंड रेड की प्रॉपर्टी दी है, और क्लोन में विड्थ हाइट फ्लोट लेफ्ट और यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट 2% और बैकग्राउंड कलर मैंने प्रिंट पिंक दिया है। इसका जो रिजल्ट है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब क्लोन मेथड करता क्या है कि जिस पर भी क्लोन मेथड को आप चलाओगे, क्लोन मेथड उसकी कॉपी कर देता है, कॉपी बना देता है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूँ, ठीक है, जैसे मैं बटन पर क्लिक करूँ तो ये जो इंडिया है ये मेरा इस डिव में चला जाए, ठीक है। तो करते हैं प्रैक्टिकल शुरू और देखते हैं किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बेसिक जेक्वेरी का हमें कोड लिखना होगा, सिंटैक्स, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं बटन पर क्लिक करूँ तो बटन को सिलेक्टर बनाएंगे, बटन को मैंने ऐड दिया कॉपी, तो लिखेंगे कॉपी। जैसे कॉपी पर मैं चलाऊंगा क्लिक फंक्शन, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा एक इंटरनल फंक्शन चलेगा। उस इंटरनल फंक्शन में क्या होगा, उसमें होगा ये कि जिसकी आईडी हैश है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा हैश लोगो, उसका जो पैराग्राफ है पी टैग है उसको, उसका क्लोन बन जाए। तो क्लोन मेथड यहाँ पे चलाया मैंने, ठीक है, क्लोन बन गया। क्लोन बनने के बाद अब मैं यहाँ पे अपेंड टू मेथड का यूज करूंगा, और मैंने बताया था कि अपेंड और अपेंड टू में डिफरेंस है। अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप जेक्वेरी में जाके आप यूज देख सकते हैं किस क्या डिफरेंस क्या अपेंड और अपेंड टू में। तो मैं डॉट लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं अपेंड टू, और यहाँ पे मैं अपेंड टू किस में करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेलेक्टर लिखूंगा जिसकी आईडी है क्लोन, ठीक है, सेव। मैं आपको एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर दूं, जो मैंने डॉट ला के फंक्शन कॉल किया, फिर डॉट ला के फंक्शन कॉल किया, बेसिकली इसको मेथड चेनिंग बोला जाता है, ठीक है। तो आपको एक बार कोड समझा देता हूँ कि जैसे मेरा डॉक्यूमेंट रेडी होगा, फंक्शन चलेगा, फंक्शन चला तो मैंने एक सिलेक्टर क्रिएट किया कि जिसकी आईडी कॉपी है, अगर कोई उस पर क्लिक करेगा तो एक इंटरनल फंक्शन चलेगा, फंक्शन चला, फिर मैंने सिलेक्टर बनाया हैश लोगो कि लोगो जिसकी आईडी है उसके अंदर जो पैराग्राफ टैग है उस पर मैंने यहाँ पे क्लोन मेथड चला दिया, मतलब कि इस पैराग्राफ टैग को कॉपी कर लेगा। कॉपी करे तो तुरंत मैंने यहाँ पे डॉट ला के अपेंड टू मेथड यहाँ पे रन किया, और अपेंड टू किस में करना है, जिसकी आईडी क्लोन है, तो इसकी आईडी क्लोन है, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब देखो क्लिक, जैसे इस बटन पर मैंने क्लिक किया तुरंत इंडिया यहाँ से क्लोन बन के मेरा इस डिव में आ गया। दोबारा क्लिक करूंगा, ये देखिए, दोबारा क्लिक करूंगा, ये देखिए। तो इस तरीके से यूज किया जाता है क्लोन मेथड को। आपने देखा होगा कई सारी वेब एप्लीकेशंस में कि डेटा को यहाँ से वहां पर कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही क्लोन बने, कॉपी यहाँ पे क्लिक हो जाए तो ये यहाँ से हट जाए, ठीक है। ऐसा भी हम चीज कर सकते हैं, तो करेंगे कैसे, तो जब ये क्लोन बने, तो क्लोन बनने के बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन चला दूंगा कि जिसकी आईडी क्या है, हैश लोगो है, और उसके अंदर पी टैग है, उसकी जो टेक्स्ट है उसमें कुछ भी सेट मत करो, ठीक है, कुछ भी सेट मत करो। मैं ट्राई करते हैं रिफ्रेश करके, बटन पर क्लिक किया, ये देखो यहां से क्लोन बना, यहां पर आ गया और यहां से हट गया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने जेक्वेरी का सिंबल लगाया, मतलब कि डॉलर लगाया, और मैंने यहाँ पर लिखा कि जिसकी आईडी लोगो है और उसका जो पी है, टेक्स्ट मेथड में आपको पढ़ा चुका हूँ गेट और सेट करना किस तरीके से, इसी से गेट करते हैं, इसी सेट करते हैं। तो मतलब कि लोगो में जाओ, जिसकी आईडी लोगो है उसका जो पी टैग है उसकी टेक्स्ट मेथड के अंदर मैंने डबल कोटेशन मार्क में कुछ दिया ही नहीं, तो मतलब ये रिप्लेस होके नल हो गया। अब नल हो गया तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ आपको दिखेगा ही नहीं, इस तरीके से मैंने यहाँ पे यूज किया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो जैसे मैंने कॉपी पर क्लिक किया तो ये यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया, ठीक है। वापस क्लिक करते हैं, वापस कुछ होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा क्या। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी वेब एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके की चीज देखी होगी कि डेटा को ऐड करो अपनी अलग बास्केट में, तो कॉपी करते हैं डेटा यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है।
तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर करा कि आप गेट सेट मेथड का यूज करके कि वैल्यू हट जाए वहां से, तो इस तरीके का आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो मैं बाकी मेथड आपको पढ़ा चुका हूँ। तो बेसिकली क्लोन मेथड का यूज इतना होता है, इस तरीके से आप यूज करते हैं क्लोन मेथड को। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज करके किस तरीके से क्लोन मेथड के साथ में क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।